गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आप हैं साइंस टीचर ज्ञान प्रकाश के साथ। और आज का जो हमारा लेसन है इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम पढ़ेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स एक साइंटिस्ट है जिसने इस लॉ को लॉ की खोज की थी। दिस लॉ वॉज गिवन बाई साइंटिस्ट ओम्स इन 1826। इट स्टेट्स दैट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो ये जो वैल्यू इलेक्ट्रिसिटी है वो उस तार के जो सिरे हैं ए और बी, इनके बीच लगे विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है, यानी वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू आर इंटू आई, वेयर R is a constant which is called resistance of the wire. The value of R depends on the length of wire, area of cross section of the wire, material and temperature of the conductor or wire. R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, दिस इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड फॉर सॉल्यूशंस, सेमीकंडक्टर्स एंड गैसेस। ओम्स लॉ इज ट्रू फॉर ओनली मेटेलिक कंडक्टर। अब हम इस ओम्स लॉ को एक एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध करेंगे कि क्या ये ओम्स लॉ जिसने मेटेलिक कंडक्टर के लिए ये नियम बनाया, क्या उस ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ, इसको वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। वो इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, इसके लिए हमें चाहिए एक कंडक्टर, ए कंडक्टर, कनेक्टिव वायर, एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की एमीटर इन सभी एपरेटस को हम एक सर्किट में सीरीज क्रम में लगाएंगे। तो ये एपरेटस, इनको हम एक सर्किट में सीरीज क्रम में जोड़ते हैं। ये रेजिस्टेंस और कनेक्टर, एमीटर, की, बैटरी, रियोस्टेट प्लस माइनस बैटरी के पॉइंट, एनोड कैथोड, बैटरी। अभी की ओपन है क्योंकि इसके अंदर जो इसका पिन है वो अभी नहीं लगी है। और जो वोल्ट मीटर है इस रेजिस्टेंस के जो पॉइंट है ए और बी, इन पॉइंट्स के
यानी रेजिस्टेंस के पैरेलल क्या लगाएंगे हम वोल्टमीटर को लगाएंगे। सर्किट को जोड़ते समय हमें यह ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर के अतिरिक्त जो वोल्टमीटर हमने लगाया इसके अलावा बाकी सारे एपरेटस एक सीरीज क्रम में होने चाहिए और वोल्टमीटर को इस रेजिस्टेंस के पैरेलल क्रम में लगाना है। तो ये हमारा ओम्स लॉ को सिद्ध करने के लिए जो हमारा सर्किट है वो तैयार है। तो इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए कंडक्टर आर, एक कनेक्टिव वायर, ए एमिटर, ए बैटरी एंड रियोस्टेट आर एंड ए की इन सीरीज विद द कंडक्टर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है इनको एक सीरीज में जोड़ दिया है। ए वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द कंडक्टर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ए एंड बी। Now we insert a key in plug with the help of rheostat। जैसे हम की को से लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो शुरू हो जाता है और रियोस्टेट से हम जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है उसको एक स्पेसिफिक जो उसकी मेजरमेंट है उसको नोट करते जाते हैं। द हेल्प ऑफ रियोस्टेट ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलाउज टू पास इन द सर्किट। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ वोल्टमीटर इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिसिटी और वोल्टेज मीटर दोनों का की जो रीडिंग्स आती है उनको हम अपने पास नोट करते जाते हैं। इन दिस वे बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द सर्किट, जैसे अब जब इसमें रियोस्टेट द्वारा हम इसमें करंट का फ्लो जब चेंज करते हैं तो हर बार चेंज होने पर एमीटर द्वारा और वोल्टमीटर द्वारा जो रीडिंग्स आती हैं हम उनको नोट कर लेते हैं। वी टेक एट लीस्ट 5 डिफरेंट रीडिंग्स ऑन एनालिसिस एवं एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स आर ड्रोन। फर्स्ट द करंट इज इंक्रीज्ड, जब करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आता है ए और बी का वो भी इंक्रीज होता है, यानी जैसे हम आई का मान इंक्रीज करते हैं तो वी का मान भी इंक्रीज होता है। रेशो इन दोनों का जो रेशो आता है आर वी अपॉन आई इज कॉन्स्टेंट, हर बार अगर देखते हैं इन दोनों का रेशो वो कॉन्स्टेंट ही रहता है। कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड यानी इन दोनों का जो रेशो है वो क्या है, टेल्स अस दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड हेंस ए ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस फॉर वी अगेंस्ट आई विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन। आई और वी की जो रीडिंग्स हमारे पास आई इस एक्सपेरिमेंट द्वारा, अब हम इन दोनों रीडिंग्स में एक ग्राफ खींचेंगे और जो रीडिंग से जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। तो ये हमें जो ग्राफ बनाना है वो वोल्टमीटर रीडिंग हम एक्स अक्ष पर लेते हैं, वाई अक्ष पर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट की रीडिंग लेते हैं वो हम एक्स अक्ष पर लेते हैं। जब ग्राफ लेते हैं तो ग्राफ से जो रीडिंग्स हमें प्राप्त हुई उनके द्वारा हम इसमें ग्राफ में मेजर कर लेते हैं और मेजर करने पर जब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। ये स्ट्रेट लाइन क्या है, V इज प्रोपोर्शनल टू I और R इज इक्वल टू V अपॉन I
and this is Ohm's law. Ohm's law is true only metallic conductor.